नवाब मलिक से आज बुधवार को अंडरवर्ल्ड दाऊद लिंक पर ईडी ने पूछताछ की। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें दोपहर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम सुबह एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आवास पहुंची थी और उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गई थी। नवाब मलिक से हुई पूछताछ पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जाहिर की और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। नवाब मलिक की सरकार म्हणजे भाजपच्या विरोधात बोलतात, मुली सूट होण्याची कारवाई आहे की वास्तविक पुरावे आहेत म्हणून सगळं काही केलं? पुरावे कसे कशाची केस काढली त्यांनी? आता एक साधी गोष्ट आहे, काही झालं आणि विशेषतः मुस्लिम कार्यकर्ता असतात ते दाऊदचं नाव घेत आणि काहीसे कुणाचा काहीसे समजतात तर कोण काय कुठं काय माहिती नाही, पण त्याचं केलं असेल, त्याच्यात काही नवीन नाही। मला तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही कदाचित लहान असाल त्या काळात, की ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो माझ्यावेळी असाच आरोप झाला। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को जिस तरह से ईडी के लोग उनके घर में घुसकर लेकर गए, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। पुराने मामलों को निकाल कर सबकी जांच हो रही है, आप जांच कर सकते हैं, 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। राउत ने आगे कहा, आने वाले दिनों में मैं सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं एक एक अफसर को एक्सपोज करूंगा। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुँचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुँचते। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? और भी नाम लूँगा, और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने कहा, राजनीति का स्तर गिर गया, महाराष्ट्र में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो उचित नहीं है, लोकतंत्र में विरोध करना और अपने विचार प्रकट करने का सभी को अधिकार है, लेकिन इसमें कोर्ट कचहरी, पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। दरअसल ईडी दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इकबाल, सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है और इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना भी शामिल था। हसीना के बेटे अली शाह पारकर से ईडी ने सोमवार को पूछताछ भी की थी। दाऊद के अन्य सहयोगियों पर भी ईडी की नजर है, क्योंकि दावा किया गया है कि दाऊद कुछ लोगों की मदद से मुंबई में अभी भी डी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।